खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हूँ। मैं वॉटसन गिल आपकी खिदमत में एक रिपोर्ट आंखों से गुजरी, फैक्ट फोकस की एक रिपोर्ट जो कि ब्लास्फेमी के हवाले से थी और कुछ इंकशाफात उसमें नज़र आए मुझे। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दें। ब्लास्फेमी के हवाले से एक तो आप जानते हैं कि ये जो कवानीन है ये दुनिया के अंदर, हालांकि 57 कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये तमाशा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। वाहिद इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान जिसमें ये तमाशा होता है कि अपने ही लोगों पर इस तरह के कवानीन का इतलाक़ करके, अपने ही लोगों पर इस तरह के कवानीन डालकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और इसमें सिर्फ मसीह नहीं है या हिंदू नहीं है, इसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी जिनके ऊपर अपना पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर उनके ख़िलाफ़ झूठी FIRs कटवा के उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। और ये हमने देखा कि ये यानी इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अब बड़े बड़े लोग जो है उसके शिकंजे में आएंगे। ये हो नहीं सकता कि आप इससे बच सकें। जो भी इसको छेड़ेगा उसको इसका नतीज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो ये जो FIRs कटिंग है उन लोगों के खिलाफ वो यंग हैं। 70% जो इन केसेस को देख रहे हैं, इन केसेस को का सामना कर रहे हैं, जो जेलों में बंद हैं, उन 70% जो हैं वो यंग जनरेशन है और उनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनमें केमिकल इंजीनियर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, उनमें प्रोफेसर हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं और उनकी ज़िंदगियां जो है वो तबाह हो गई। अब जेल में भी हैं तो मर जाएंगे, बाहर आएंगे तब भी मर जाएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हैरत अंगेज बात जो है वो जो सामने आई इस रिपोर्ट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, वो ये कि ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप बना हुआ एक जो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ट्रैप करते हैं और उसके बाद फिर छोटी सी एक बात पकड़ कर उसकी रिपोर्ट करते हैं FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसके साथ। साइबर क्राइम विंग के चंद ऑफिसर्स जो हैं वो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के लोगों के साथ मिले हुए और ये मिलकर उन लोगों को पकड़ते हैं और उसके बाद ये नहीं देखते हैं कि वो झूठ है सच है, वो बंदे के ख़िलाफ़ FIR कटा के उसको बुक कर देते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है, क्रिश्चियन जो है या अकलियतें कम हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि क्रिश्चियन जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा मुकदमात नहीं है तो वो सेफ़ हैं। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 100 में से 10% मुकदमात जो है वो मसीहों पर हैं और 90% मुसलमानों पर हैं, लेकिन उन 90% में से कोई एक भी केस ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान पर FIR कटी हो और उसके पूरे गांव को जला दिया गया हो, उसके गांव की मस्जिदों को जला दिया गया हो, उसके गाँव के लोगों को जला दिया गया हो। ये सिर्फ मसीहों के साथ होता है। किसी एक के ऊपर चाहे झूठी ही FIR कटे मसीहों के, उसके पूरे गांव जला देते हैं, चर्चेज जला देते हैं, बाइबलें जला देते हैं, घर बार लूटते हैं, पहले लूटते हैं फिर जला देते हैं घर बार। उनके लोग जो हैं वो खौफजदा रहते हैं, सालों साल वो अपने इलाकों में रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। पंजाब में 80% के केसेस जो हैं ब्लास्फेमी के वो पंजाब में होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 144 जो कैदी हैं ब्लास्फेमी के वो अडियाला जेल में हैं, 130 जो हैं वो कैंप जेल लाहौर में हैं, कोट लखपत जेल में बहुत बड़ी तादाद में हैं, 50 जो हैं कराची में, 50 केसेस हैं कराची में भी रजिस्टर। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, ये कानून है, ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो बदनाम होता है इस कानून को, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कोई लेना देना नहीं। अब ये जो FIR का जो अदारा है, FIR का जो विंग है, ये इनके कंट्रोल में आता है क्या कि जाके शिकायत करें इंडिया से या अफगानिस्तान से या ईरान से शिकायत करें, पाकिस्तानी हुकूमत से शिकायत कर दें। हम जब ये कहते हैं कि जनाब आप इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाते हैं इनके खिलाफ भी वही मुकदमा होना चाहिए। मौलवी जदूम जो था वो रिमशा का जो केस था, रिमशा का जब पता चल गया कि वो बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर है, वो उस तरह फिट बच्चा नहीं है, एक स्पेशल चाइल्ड है, तो मौलवी जदून को के ऊपर भी ब्लास्फेमी का केस होना चाहिए था क्योंकि उस बच्ची के थैले के अंदर से कुरान के जले हुए और आग तो मिले। अब जब ये साबित हो गया कि उस बच्ची ने नहीं किया ये, तो फिर किसने किया? तो पता लगा कि मौलवी जदून ने किया, लेकिन मौलवी जदून के ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं बनेगा क्योंकि वो मुसलमान है। इसी तरह आप देख लें जितने भी मसीहों के ऊपर हुए केसेस और जिनको जैसे आसिया बीबी और बहुत सारे जो बेगुनाह साबित हुए, तो उनको फंसाने वालों के ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस क्यों नहीं बनते? ये हमारी एक दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि अगर आप चाहते हैं कि ब्लास्फेमी के केसेस रुकें तो आपको ये करना पड़ेगा
कि उन लोगों पर भी ब्लास्फेमी के केसेस होने चाहिए जो झूठे ब्लास्फेमी के केसेस रजिस्टर करते हैं। तो बस ये था, बाकी अगर ये ना इसके ऊपर काम हुआ तो पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।